أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I welcome you all in the online ECD lab Today we inshallah discuss lab 8 on Wilson metal oxide semiconductor mirror circuit and the objective of today's lab is this lab is designed to familiarize the student with the operation of two different designs of constant current sources the laboratory experiment is divided into two tasks the first activity involves the operation of simple two MOSFET current mirror constant current source and the second activity involves the operation of an improved four MOSFET constant current source Wilson current mirror that exhibits a more stable output resistance. The second task of this activity with four MOSFET is complex so that I already simulate here. You can see in this simulation diagram, which I already simulate and make a circuit of this form. This is the circuit of lab 7 of Wilson mirror circuit. Hopefully you make your own circuit with the multisim software which the link already discuss and provide to you on the WhatsApp and hopefully you practicing all the kind of circuits which I given to you from my site and there is no difficulty from your site if you have any kind of difficulty in these labs of online recorded performance videos feel free to discuss with me and I will answer your queries whenever you need now we start the session with an introduction if you have any kind of query please feel free to discuss I will answer your queries your question and if you have not any kind of single question so I will continue my online lab if you have any query please feel free to discuss और इसमें मज़ीद मैं ये बात कहूँगा आप लोगों से कि यह सिमुलेशन की जो लैब्स है मैं अपने तौर पे ख़ुद परफॉर्म कर रहा हूँ और आप लोगों से हर एक स्नैप शेयर कर रहा हूँ तो होपफुली आप लोग इसे परफॉर्म कर रहे होंगे अपने एंड पे क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस की बारी आएगी लैब एग्ज़ाम की इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलते ही तो आपकी परफॉर्मेंस होगी फिर और वो परफॉर्मेंस मतलब लैब एग्ज़ाम और ये मैं करवा ही रहा हूँ आप लोगों को और उसकी थ्योरी और सिमुलेशन में परफॉर्मेंस करवा रहा हूँ और एज पर द डिस्कशन ऑफ हाई अथॉरिटीज़ के अगर पॉसिबल ना हुआ यूनिवर्सिटी की खुलने के बाद के लैब एग्ज़ाम एंड थ्योरी एग्ज़ाम वो सब है तो फिर हम उसका इंशाल्लाह डायरेक्टली लैब एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ आप लोगों को सिमुलेशन के थ्रू और क्योंकि मैं ख़ुद कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये परफॉर्म हो सकती है तो आप सब भी परफॉर्म इस तरह से कर लें क्योंकि ड्यूरिंग द लैब एग्ज़ाम इस तरह से परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी और वाइवा लैब एग्जाम वो सब इससे रिलेटेड होगा कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को होपफुली आप लोग लैब मैनुअल कंप्लीट कर रहे होंगे और जिस तरह मैं गाइडलाइन हर एक सेशन में देता रहा हूँ और लैब मैनुअल भी कम्प्लीट कर रहे होंगे और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट के हवाले से जो गाइडलाइन मैंने दी है होपफुली वो भी आप लोग बना रहे होंगे अब तक मेरे पास जो है 7 to 8 ग्रुप्स आ चुके हैं जो कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और होपफुली यूनिवर्सिटी खुलने के बाद वो सबमिट करवाएंगे भी और लाइव एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे ईपीटी और जो हमारी सीडी लैब में ऑनलाइन परफॉर्मेंस वीडियो भी आप तो शेयर हो रही है तो होपफुली कोई डिफ़िकल्टी किसी को नहीं है तो इसे हम डिस्कस करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन पे आते हैं अ करंट मिरर इज अ सर्किट ब्लॉक विच फंक्शंस टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द करंट इन वन एक्टिव डिवाइस बाय रिप्लेस रेप्लिकेटिंग रेप्लिकेट कहते हैं उसका कॉपी होना उसकी मिरर इमेज जैसे आप आईने में अपने आप को जब देखते हैं तो आपकी मिरर इमेज उसमें नजर आती है तो वो आपका रेप्लिका होता है लेकिन उसके अपोजिट होता है ये ध्यान में रखिएगा द करंट ऑफ सेकेंड एक्टिव डिवाइस एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर करंट मिरर इज रिलेटिवली हाई आउटपुट रेजिस्टेंस और जब करंट मिरर सर्किट्स की सबसे अहम खूबी ये होती है कि इसके अंदर जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसकी जो रिलेटिवली रेजिस्टेंस होती है आउटपुट की वो बहुत हाई होती है आउटपुट रेजिस्टेंस विच हेल्प्स टू
कीप द आउटपुट करंट कांस्टेंट, और आउटपुट करंट तो कांस्टेंट होता ही है मिरर सर्किट में, लेकिन उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई आपको मिलता है रिगार्डलेस द लोड कंडीशंस, भले लोड कंडीशन कुछ भी हो लेकिन आपको आउटपुट रेजिस्टेंस मिरर सर्किट में ज़्यादा मिलेगी। अनदर फीचर ऑफ द करंट मिरर इज रिलेटिवली लो इनपुट रेजिस्टेंस। अच्छा जी, अनदर फीचर ऑफ द करंट मिरर इज रिलेटिवली लो इनपुट रेजिस्टेंस। अच्छा, एक और जो करंट मिरर का फीचर यहाँ बताया जा रहा है वो ये है कि इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, विच हेल्प्स टू कीप द इनपुट करंट कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ ड्राइव कंडीशंस। द करंट बींग कॉपीड, करंट कॉपी होता है क्योंकि मिरर सर्किट के अंदर आपका करंट जो है वो कॉपीड हो रहा होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस हाई मिलती है, इनपुट रेजिस्टेंस कम मिलती है। अच्छा, ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको कैटेगोरिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम लैब एग्ज़ाम के हवाले से और आपके वाइवा के हवाले से। तो ये चीज़ अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जहन में बिठा लीजिएगा, और अगर नोट कर रहे हैं तो उसे नोट कर लीजिएगा। अवेलेबल जो लोग नहीं हैं वो काइंडली रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, या जिनका इंटरनेट का इशू है। बींग कॉपीड कैन बी एंड ऑफन इज अ वेरिंग सिग्नल करंट। कॉन्सेप्चुअली एन आइडियल करंट मिरर इज सिंपली एन आइडियल करंट एम्पलीफायर। ये करंट एम्पलीफायर के तौर पर विद द गेन ऑफ -1 होता है इसमें। अच्छा, -1 क्यों होता है? क्योंकि मिरर सर्किट है, तो मिरर के अंदर जब भी आप अपने आपको देखेंगे तो होंगे तो आप, लेकिन अपोजिट वे में, तो आपका रेप्लिका होगा। तो रेप्लिका के भी यहाँ पे आप देखें तो एम्पलीट्यूड वही होगा लेकिन लोकेशन अपोजिट हुई भी होगी। दैट इज हाउ करंट गेन एम्पलीफायर के अंदर जो गेन आपको मिलता है वो -1 होता है। द करंट मिरर इज ऑफन यूज टू प्रोवाइड bias currents and active loads in amplifier stages. The current mirror's conceptual figure is given below. अभी ये आपके सामने current mirror का एक circuit बताया गया है, ठीक। अच्छा, अब तक अगर कोई difficulty किसी को है labs के content से related, या अब तक कोई difficulty है तो kindly बता दीजिए, मैं उसे repeat कर दूंगा, आपके matter पर resolve कर दूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो मुझे मेरे एंड से improvement की ज़रूरत हो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे improve कर सकूँ और आपको मज़ीद बेहतर तरीके से चीज़ें सिखा सकूँ। कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को तो हम फिर आगे चलते हैं। सर्किट नंबर 1 एंड सर्किट नंबर 2। एक आपका सर्किट वो होता है जो कि इनपुट होता है, एक आपका आउटपुट सर्किट होता है। अच्छा, या फिर एक दूसरे के मुकाबले में उसका रेप्लिका होता है या मिरर सर्किट होता है, ठीक है। तो करंट एक के मुकाबले में दूसरे का यहाँ पे अपोजिट होता है, होता वही है लेकिन एज एम्पलीफायर के तौर पे -1 ऑफ गेन के मुकाबले में आपको नजर आ रहा होता है, जिस तरीके से -1 हमने अभी डिस्कस किया। सोर्स करंट आपका यहाँ पे इन होता है, रीड सेक्शन यहाँ से। अच्छा, ये जो सोर्स पता होगी आपको, ये करंट सोर्स होती है, ठीक है। करंट सोर्स के जरिए से करंट यहाँ आता है करंट सोर्स में, एंड देन आपके बाइसिंग वोल्टेज यहाँ से होते हुए आते हैं और करंट मिरर आपको यहाँ से फील होता हुआ मिलता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट मिरर विद बाइस सर्किट बताया जा रहा है। सिंपल करंट मिरर की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? अच्छा, ये करंट मिररिंग जो सर्किट हम पढ़ेंगे वो दो नौयत से, एक तो दो मॉस्फेट के जरिए से करंट मिरर सर्किट बनाया जाता है और एक 4 मॉस्फेट के जरिए करंट मिरर बनाया जाता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं सिमुलेशन में, इस जगह तो मैंने सिमुलेशन में ये 4 मॉस्फेट बेस बनाया है जो करंट मिरर का सर्किट है, ठीक है। विल्सन करंट मिरर सर्किट, विल्सन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें ये प्रोड्यूस करके दिखाया है, बना के दिखाया है। असेंबल करंट मिरर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मॉस्फेट ट्रांजिस्टर्स एज शोन इन दिस फिगर 6.2, जो कि आगे बताया जाएगा। वी नो दैट ट्रांजिस्टर M1 इज ऑपरेटिंग विद द सैचुरेशन रीजन बिकॉज ऑफ VDS। वोल्टेज जो कि ड्रेन टू सोर्स आपको मिल रहे होते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। ट्रांजिस्टर M2 विल ऑल्सो बी इन सैचुरेशन, सो अच्छा सैचुरेशन मीन्स वो ऑन हुआ है, सो लॉन्ग एज आउटपुट वोल्टेज इज लार्जर देन इट्स सैचुरेशन वोल्टेज। इन द सिंपल कॉन्फिगरेशन द आउटपुट करंट आई आउट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आई इन। तो जो आपका इनपुट करंट होगा आउटपुट करंट भी आपको वही मिल रहा होगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के जरिए से आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है और आप एक ट्रांजिस्टर एक यहाँ से आपने उसको जंक्शन वाइज प्रोवाइड किया गेट टू सोर्स, जो कि M2 का ट्रांजिस्टर है,
मॉसफेट, और एक पहले M1 के ट्रांजिस्टर ऑफ दी मॉसफेट को आपने यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करी। अब उसके नतीजे में होगा ये कि आपका जो ID1 है वो करंट एक तो यहाँ जा रहा होगा और यहाँ से इसको स्विच ऑन करेगा, यहाँ से इसके गेट सिग्नल पे भी प्रोड्यूस होंगी और गेट सिग्नल आपको यहाँ भी मिल रहा होगा और वही सेम होगा जो कि यहाँ, इसीलिए यहाँ पे करंट आपको सेम मिल रहा होता है जैसा कि इनपुट पे होगा। तो रेफरेंस इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट करंट इसके नतीजे में आपको मिलेगा जो कि आई आउट होगा, और वो वही होगा जो आपको मिल रहा होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। उसका उसकी वजह यह है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर आपका इस तरह से कॉन्फिगरेशन वाइज अरेंज हुआ हुआ है और आपका घूम कर करंट वैसे ही मिल रहा होगा जैसा इनपुट का होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। दैट इज द रीजन कि हम इस सर्किट को एक सिंपल मिरर सर्किट कहते हैं। यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी अगर किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हमारे साथ जो सेशन में आज मौजूद हैं वो 7 पार्टिसिपेंट अभी मौजूद हैं, होपफुली बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए। बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्किट पे मैं आता हूँ कि सिंपल एक सर्किट है इसलिए मैंने इसे सिमुलेट नहीं किया, मुश्किल वाले को किया है। अब यहाँ आप देखें 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है, रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से होते हुए हमने ड्रेन को सप्लाई प्रोवाइड की और इसके ड्रेन को सप्लाई प्रोवाइड की। अब इन दोनों को कॉमन करके एक सप्लाई भी दे सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। आफ्टर दैट हमने इनके सोर्स कनेक्टेड हैं बाय द ग्राउंड एंड गेट जो है डायरेक्टली ज्वाइंट है, और वो गेट हमें एक्टिव करने के लिए वही रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ हमने एक जंक्शन वाइज कनेक्ट कर लिया ताकि इन दोनों को सेम गेट मिले और ये दोनों गेट टू सोर्स वाइज एक्टिव हों और आपका करंट यहाँ से होता हुआ फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब आउटपुट आप फर्दर यहाँ से हासिल कर सकते हैं जो कि इससे मिल रहा होगा। तो यहाँ से आपको करंट मिरर के तौर पर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा और मिल रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज भी करंट नेगेटिव में आपको यहाँ पे हासिल होगा। द ड्रेन करंट ऑफ मॉसफेट दैट इज ID इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड द ड्रेन टू गेट वोल्टेज ऑफ द मॉसफेट गिवन बाय ID इक्वल टू फंक्शन, अच्छा एफ ऑफ फंक्शन होता है BGS एंड VGD दैट इज गेट टू सोर्स वोल्टेज और गेट टू ड्रेन वोल्टेज, दिस इज द फंक्शन ऑफ ड्रेन करंट। ठीक है, क्योंकि इनको डायरेक्टली एक ही सोर्स से सप्लाई मिल रही है तो वो करंट जो कि आ रहा होगा वो इन दोनों जगह पे वोल्टेज के बिहाफ पे एक्टिवली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा अपना। अ रिलेशनशिप ड्राइव फ्रॉम द फंक्शनैलिटी ऑफ मॉसफेट डिवाइस इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर M1 ऑफ द मिरर, अच्छा M1 एज अ मिरर के तौर पर इस्तेमाल होगा और उस वक्त होगा ये कि जो ड्रेन करंट है वो आपका इनपुट होगा। अच्छा जी, इसको अगर हम यहाँ देखें तो जो ड्रेन करंट होगा वो आपका इनपुट वोल्ट इनपुट करंट है। ठीक है, ड्रेन करंट इज द इनपुट करंट जो आपने यहाँ से प्रोवाइड किया है। इनपुट करंट IN इज अ नोन करंट और ये हमें पता होगा इनपुट करंट है एंड कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ रेजिस्टर एज शोन इन दिस 6.2 फिगर, अच्छा वो रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ जा रहा है, और बाय अ थ्रेशोल्ड रेफरेंस और सेल्फ बायस करंट सोर्स टू इंश्योर दैट इट इज कॉन्स्टेंट, और फिर सोर्स के जरिए में आ रहा होगा और वो कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी वजह हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई जिससे हमारा करंट जो उससे एमिट होके निकलेगा या उसको लिमिट करके जो निकालेगा वो कॉन्स्टेंट करंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज सप्लाई वेरिएशन। वोल्टेज सप्लाई की वेरिएशन इसमें नहीं होगी और हम सप्लाई यहाँ कॉन्स्टेंट प्रोवाइड। अच्छा जी, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए, और सवाल नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन का मकसद ये होता है कि मैं चाहूँ तो ये सारे रिकॉर्डेड करके आपको ऐसे ही पकड़ा दूँ सारे, लेकिन उसकी वजह यह है कि आप सब लोग आएँ, कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, कि आप पुराने सेशन आपने पढ़े हों नहीं समझ आ रहे हो, तो उस मकसद के लिए ऑनलाइन रखा जाता है। ऑनलाइन में मुसीबत टीचर की होती है क्योंकि उसे अरेंज करना, बच्चों को बुलाना, टाइम सेट करना, इंटरनेट लाइट अरेंज, ये सारी चीज़ें रखकर ही ऑनलाइन रखा जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स अगर कोई हो रही हो तो आप उसमें पूछ लें, पुरानी या सेशन में हो रही तो वो पूछ लें, वरना रिकॉर्डेड तो बहुत आसान है। रिकॉर्डेड तो रात को 2 बजे भी कर लो, सुबह के 3 बजे भी कर लो। तो ये इंटरेक्टिव सेशन रखने का मकसद ही होता है कि आप यहाँ पर आएँ और कोई डिफ़िकल्टी हो तो डिस्कस कर लीजिए। तो पूछने में हेजिटेशन फील मत करिएगा, तो कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इम्प्रूव करंट मिरर के ऊपर बात करते हैं, विल्सन करंट मिरर जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। सिंस द सिंपलेस्ट करंट मिरर कैन नॉट प्रोवाइड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, इसमें हाई आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं मिल पाती इसमें, विच मेक्स इट
impractical. Therefore, to increase the output resistance of simple current mirror, its output is cascode. Cascode का मतलब क्या है, कोई बताएगा जनाब यहाँ पे? वैसे तो अभी मैंने कल ही पढ़ाया है थ्योरी में भी, और पिछली लैब्स हमारी कैस्कोड और कैस्केड के ऊपर थी, तो मुझे कोई बता देगा कैस्कोड का क्या मतलब होता है भाई? जी कोई कोई तुक्का ही मार ले, मतलब ऐसे ही कैस्कोड का आइडिया नहीं है किसी को? चलिए, कैस्कोड का मतलब ये होता है कि ट्रांजिस्टर आपके पैरेलल में लगे हुए होते हैं, ठीक है? पैरेलल में कॉन्फ़िगरेशन मॉस्फेट के लगे होने के या बीजेटी को लगे होने की, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैस्कोड कहते हैं। ये सब वो बातें हैं, जहन में रखिएगा, क्योंकि ये वाइवा में इस तरह से पूछी जाएंगी बाकी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसलिए आपका अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड सेशन लेकर, पुरानी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें देखेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ है, वरना आखिर में फाइनल में अगर आपको ये सब नहीं पता कैस्कोड क्या है, कैस्केड क्या है या दीगर चीज़ें, मिरर सर्किट का आउटपुट क्या होता है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, हाई आउटपुट रेजिस्टेंस और गेन, करंट मिरर का आउटकम क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। कोई डिफिकल्टी आता है तो पूछ लीजिए, वरना कंटिन्यू करते हैं। कैस्कोड विद अनदर मॉस्फेट, कैस्कोड अनदर मॉस्फेट मीन्स के पहला ट्रांजिस्टर मॉस्फेट दूसरे मॉस्फेट के साथ कैस्कोड कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस पैरेलल में लगा हुआ है, विच फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड कैस्कोड मिरर एज सून इन दिस फिगर, दैट इज 6.2A. ऑब्वियसली देयर इज नो बीटा एरर टू रिड्यूस हेयर, दैट इज द ट्रांस कंडक्टेंस एरर एंड द एडवांटेजेस एडवांटेज ऑफ द MOS विल्सन लाइज इन इट्स एनहांस्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। और उसी वजह से इसमें ये चीज़ प्रोड्यूस होती है कि जब एरर आपका रिड्यूस होगा तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आपको इनहांस होकर मिलेगी, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है इस लैब का। अच्छा, MOS के बारे में कोई बताएगा, व्हाट इज MOS? MOS क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज MOS? जी भाई कोई बताएगा MOS क्या चीज़ है? हाँ भाई मुसलमानों, MOS क्या चीज़ है? अच्छा कोई ये बता देगा कि MOSFET क्या चीज़ है? MOSFET क्या है? सर मल्टी ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जी मल्टी ऑक्साइड नहीं है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो भाई ये जो MOS लिखा है ना, ये भी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ही है, तो उसे MOSFET पूरा लिखने के बजाय उन्होंने MOS लिख दिया है, तो MOSFET का बस MOS लिया है, वही चीज़ है ये। विल्सन लाइज इट्स एनहांस द आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। फिगर 6.3A शोज द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वेरिएशन ऑफ द विल्सन मिरर एंड विद 3 MOSFETs, इसमें 3 MOSFET लगाए गए। अगली जो कॉन्फ़िगरेशन 6.2B है, आप इसको अगर देखें तो पहले हमने करंट मिरर विल्सन की आउटकम के तौर पे इसे देखा कि ये हम 2 ट्रांजिस्टर हमारे लगे थे जिसे हम करंट मिरर देख रहे थे, और अब हमारा जो इनपुट करंट हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन में लगने के बाद हम आउटपुट आपका इस तरह से ले लेंगे, तो करंट मिरर 3 MOSFET लगाने के नतीजे में भी हमें मिल जाएगा, और यही करंट MOSFET 4 MOSFET लगाने के नतीजे में भी हमें मिल जाएगा। यही वो चीज़ है जो हमने ऊपर ऑब्जर्व करी है और अब चार्ट से करी है, और सेम सिमिलैरिटी इज़ दैट कि मैंने ये चीज़ यहाँ कॉन्फ़िगर करके भी आपको दिखाई है। अच्छा बहरहाल इसको हम करंट मीटर से देखेंगे, ऑसिलोस्कोप से नहीं देखेंगे। कंटिन्यू करते हैं आगे, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं जस्ट डायग्राम दिखा रहा था। दोबारा ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पे आता हूँ मैं। द आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज ड्यू टू द एडिशनल MOSFET बोथ द एंड्स ऑफ द अनबैलेंस, इट विल रिजल्ट अ मिरर एरर इन रेफरेंस करंट एंड आउटपुट, देयरफॉर द सर्किट इज मॉडिफाइड बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा MOSFET। हमने एक और MOSFET ऐड किया,
दैट इज विल्सन करंट मिरर गिव्स अ स्टेबल आउटपुट करंट फॉर वाइड वोल्टेज स्विंग. वाइड वोल्टेज स्विंग का मतलब उसका जो आउटपुट होगा वो आपको स्विंग होके नहीं मिल रहा होगा, आई मीन स्विंग होके मिल रहा होगा और प्रॉपर तरीके से मिल रहा होगा जो आपके रिक्वायरमेंट है. विल्सन करंट हैज गॉट नेगेटिव फीडबैक ड्यू टू विच द ड्रेन करंट इज स्टेबलाइज. अब इसमें बताया जा रहा है और हमारा यही मकसद था कि हमें जो आउटपुट करंट रिक्वायर्ड होता है वो नेगेटिव चाहिए होता है, क्योंकि मिरर सर्किट में करंट आपको नेगेटिव मिलता है और उतना ही मिलता है जितना आपको इनपुट का होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन यानी माइनस साइन के साथ होता है और इसे करंट मिरर कहा जाता है और इसका जो गेन है वो माइनस वन होता है. नेगेटिव फीडबैक ड्यू टू विच द ड्रेन करंट आई डी इज स्टेबलाइज. द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ विल्सन मिरर इज गिवन बाय इन दिस वे. आउटपुट आप जो रेजिस्टेंस निकालते हैं द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जी एम थ्री इंटू द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस जंक्शन थ्री मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस ऑफ जीरो टू. तो इस क्वालिफिकेशन को सॉल्व करने के थ्योरेटिकल वे में पढ़ चुके हैं, उसके जरिए से आपको आउटपुट रेजिस्टेंस मिल जाती है. Thus the Wilson metal oxide semiconductor mirror exhibits an increase of output resistance by the factor GM3 and not 3. अब इसके मुताबिक ये आपको output resistance increase होते हुए मिल रही होती है. An identical result to that achieved in the cascode mirror. Here the increase in R0 as demonstrated in the analysis above is a result of negative feedback obtained by connecting the drain of Q2 to the gate of Q3. अब इसको देखेंगे नजर पहले जरा, फिर हम इस पे बात करते हैं. कंटिन्यू करते हैं सेशन को. यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए कि फोर स्टेज मिरर विल्सन करंट सर्किट मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिया है, एक्सप्लेन करके बता दिया है और उसको सिमुलेशन के लेवल पे भी सिमुलेट किया हुआ है मैंने. इसको हम फर्दर हमने एक्सप्लेन कर लिया है फिगर 6-3A एंड फिगर 6.3B के अंदर. तो इसे काइंडली आप देख लें अच्छी तरह, कोई डिफिकल्टी हो कॉन्फिगरेशन देखें किस तरह गेट को सप्लाई प्रोवाइड किया हमने यहाँ से, यहाँ से कॉन्फिगरेशन होने के बाद फिर मिरर सर्किट आउटपुट हम यहाँ से हासिल कर रहे होते हैं. इसके अलावा एक चीज़ जो कि उसके लिए है इन्फॉर्मेशन के लिए कि जी वो फीडबैक फॉर्म फिल कर लीजिएगा जो कि आके हमने डिज़ाइन किया ताकि हम चेयरमैन साहब को आके दे दें और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. अच्छा यहाँ तक कॉन्फिगरेशन होने के बाद हम आगे चलते हैं. फर्स्ट द कंस्ट्रक्ट द सिंपल सर्किट एज शोन इन दिस फिगर. नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट द सर्किट and this figure and fill the observation 6.2 6.3 accordingly as instructed. Note down the readings and compare your result observed in simple metal oxide semiconductor mirror versus Wilson MOS mirror. तो आप compare क्या करना है, ये circuit manufacture करना है. ये simple है इसलिए मैंने आसान था बनाया नहीं, क्योंकि चार वाला मुश्किल है दो वाला आसान है, तो मैंने ये नहीं बनाया. तो आपको ये भी बनाना है इसमें और आपको ये भी बनाना है और इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है कि आउटपुट आउटकम दोनों से एक ही मिल रहा है या फिर करंट मिरर में आपको फर्क मिल रहा है. यहाँ से नोट डाउन रीडिंग कंपेयर ये सबने पढ़ लिया. ऑब्जर्वेशन पे आते हैं हम. कंस्ट्रक्ट द सर्किट इन 6.2, वो जो दो मॉस्फेट वाला आपका सर्किट है उसे देखना है, उसे कंपेयर करना है और उसकी रीडिंग्स को लिखना है. अच्छा वो क्या क्या रीडिंग होगी, आपको आउटपुट करंट यहाँ पे लिखना है जो आप एम मीटर से मेजर करके लिखेंगे, उसके बाद जो है रेफरेंस करंट वो यहाँ पे मेजर करके लिखेंगे, परसेंटेज एरर यहाँ पे निकालेंगे. परसेंटेज एरर किस तरह निकालते हैं कोई बताएगा, हाउ कैन वी फाइंड द परसेंटेज एरर, एनीवन कैन हैव आइडिया अबाउट दिस थिंग, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस. हाउ कैन वी फाइंड द परसेंटेज एरर, जी जनाब हाउ कैन वी फाइंड द परसेंटेज एरर. जैसे वो हम मशीन में करते थे नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100,
तो रेफरेंस करंट माइनस आउटपुट करंट डिवाइड बाय रेफरेंस करंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको परसेंटेज एरर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात जनाब? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को? ये मैं रीडिंग फुलफिल करने के हवाले से गाइड कर रहा हूँ आपको, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को, तो बता दीजिए यहाँ पे। क्लियर है? आप क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन जब बना लेंगे तो यहाँ पे एमीटर लगाना है आपको, ठीक है? एमीटर एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। इनपुट करंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें। करंट तो सीरीज में वही होता है, सेम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में। यहाँ लगा लें एमीटर, एक इनपुट करंट आ जाएगा, और एक यहाँ लगा लें, एक आउटपुट करंट आ जाएगा। वो यहाँ से बता भी रहा है, तो आउटपुट करंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इनपुट करंट आउटपुट करंट आपका बराबर होगा विद द डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो ये चीज़ सिर्फ आपको यहाँ पे बतानी है, और आप ये दोनों कॉलम फिल हो जाएंगे। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, आई रेफरेंस माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। कोई यहाँ तक डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक जनाब? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? कोई हाँ हूँ बोल दे, मतलब मैंने किसी के माइक बंद नहीं किए हैं वैसे, आप बता सकते हैं। कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को? आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सर्किट जो बनाना है वो 6.3 का है जो बनाएंगे। 6.3 के सर्किट पे आते हैं हम। 6.3 का सर्किट ये वाला है, तो मैंने ये बनाया वो अभी है। आप चाहें तो 3 का बना सकते हैं, ये डायरेक्टली शॉर्ट करके यहाँ पे दे दें। तो ये सिर्फ ख़त्म करेंगे, अब ये डायरेक्टली यहाँ लगाएंगे, गेट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और सिग्नल आपका 3 MOSFET का मिरर सर्किट बन जाएगा। तो 6.3B की मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे और उसमें बनाएंगे। तो मेजर दी आउटपुट एंड आई रेफरेंस एंड फिल द ऑब्जर्वेशन टेबल। अच्छा, ये किस तरह ऑब्जर्व करेंगे आप? आउटपुट करंट और रेफरेंस करंट। रेफरेंस करंट आपका इनपुट करंट है, और आउटपुट करंट आपका जो के यहाँ आ रहा होगा, यहाँ की जानब आउटपुट करंट आपका यहाँ आ रहा होगा, तो यहाँ से आप आउटपुट करंट ले लेंगे। इनपुट करंट आपका यहाँ होगा, तो ये दोनों करंट आपस में बराबर होने चाहिए विद द नेगेटिव साइन। तो वो आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। और वो निकालने का फॉर्मूला वही है कि आई रेफरेंस माइनस आई नॉट डिवाइड बाई रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको ये चीज़ भी फिल होके मिल जाएगी। चेंज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 टू 10 किलो ओम, दैट इज मैंशन इन फिगर 6.3B। मेजर द करंट ऑफ आई नॉट एंड आई रेफरेंस एंड फिल द ऑब्जर्वेशन कॉलम। तो फिर ये फिल करना है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारी ये जो पार्ट हैं लैब्स के पूरे हो जाते हैं। सिमुलेशन पे हम आएंगे इसके बाद, लेकिन अभी हम क्लियर हैं यहाँ तक भाई? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको जो सिमुलेशन है उसके रेजिस्टेंस जो कि 1K है ना, इसको 10K रखना है बस, और वही करंट को दोबारा मेजर कर लेंगे आप। फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन कॉलम को फिल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को भाई? हमारा सेशन भी रिकॉर्ड हो ही रहा है, 8 लोग हैं हमारे पास। हफीज़ुल्ला, तौसीफ़, ज़हीर, मुजीब। कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को जनाब? क्लियर है सर्किट में कैसे रीडिंग लेनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है? वैसे मैं दिखा दूंगा, लेकिन अब तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है लैब की किसी पार्ट में? किसी जो अब तक की एक्टिविटी हुई है तो बता दीजिए, अगर कोई इशू नहीं है तो हम आगे चलते हैं। व्हाट यू हैव लर्न इन दिस लैब, तो आप वो बताइएगा, इसमें लिख दीजिएगा। हैंड दे देता हूँ मैं कि आपने मिरर सर्किट इसमें सीखा है। मिरर सर्किट आपने 3 टाइप्स के इसमें सीखे हैं, जो कि 2 MOSFET, 3 MOSFET और 4 MOSFET बेस सर्किट थे आपके। आपने सिंपल करंट सर्किट और विल्सन मिरर सर्किट ये देखे हैं। इसमें जो 2 MOSFET से बनता है वो आपका मिरर सर्किट होता है, और जो 3 और 4 MOSFET से बनता है मिरर सर्किट, वो आपका विल्सन मिरर सर्किट कहलाता है, ठीक है? मिरर सर्किट की खासियत ये होती है कि उसका एम्पलीट्यूड, सॉरी, जो उसका गेन होता है वो -1 होता है, और -1 ये शो करता है कि एज एम्पलीफायर इसका रिजल्ट इनपुट आउटपुट करंट बराबर होगा, लेकिन विद अ डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन के हवाले से वो सिर्फ मुख्तलिफ होता है, बाकी इनपुट आउटपुट बराबर होता है। और यहाँ तक ये चीज़ें हैं जो मैंने हिंड के बारे में आपको बता दी हैं, इस यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गिव एनालिटिकल रीजन फॉर डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन ऑफ
टू सर्किट मिरर। अच्छा, वो क्या आपने इन दोनों के अंदर क्या फर्क देखा है वो आपको सिर्फ यहाँ लिखना है। तो वो रीडिंग जो आपकी आएगी उसके बिहाफ पे जो फर्क आ रहा होगा उसको यहाँ पे लेके फिल कर लेंगे। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक लैब का पार्ट पूरा हो जाता है। अब मैं सिमुलेशन की तरफ आऊँगा और इनपुट आउटपुट करंट आपको निकाल के दिखा दूंगा। अच्छा, कोई बताएगा मैं करंट कैसे मेजर करूंगा? ऑसिलोस्कोप से करूंगा या फिर क्या करूँ, करंट कैसे मेजर करूंगा मैं? यहाँ मुझे करंट मेजर करना है, तो करंट मैं कैसे मेजर करूंगा कोई बताएगा? जी जनाब बताएं, मैं करंट कैसे मेजर करूंगा? भाई 7 सेमेस्टर के बच्चे हैं तो इतना तो पता होना चाहिए। जी जनाब, मैं करंट कैसे मेजर करूंगा? करंट के लिए तो मल्टीमीटर लगेगा ना। जी, करंट के लिए मल्टीमीटर लगेगा। ये बस करंट मल्टीमीटर या एम मीटर से मेजर होता है। तो ये एक छोटा सा जवाब था इसका कि हम एम मीटर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और उसके ज़रिए से हम हासिल कर लेंगे अपना करंट। तो इस तरह से हमारे मल्टीमीटर आएंगे। तो मैंने ये 2 मल्टीमीटर ले लिए, ऑसिलोस्कोप नहीं आएंगे क्योंकि मैं वो भी ट्राई कर रहा था बस। तो सोर्स साइड और लोड साइड पे हमारे करंट प्रोड्यूस होंगे। अच्छा जी, तो हमें वायर ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ से जो यहाँ जा रहा होगा। तो अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो तो पूछ लीजिए। और डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो बता दीजिए। अच्छा, मुझे करंट उल्टा आएगा ना क्योंकि पॉजिटिव ऊपर से आ रहा है। ठीक, चलो भाई ऐसे ही लगा दो, दफा करो। तो ये करने के बाद फिर सिमुलेशन में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को, यहाँ तक हमने चीज़ कर ली है और स्लाइटली आराम से तकरीबन हो गई है। और इसे हम रन कर लेते हैं। और 10 वोल्ट हमने प्रोवाइड किए एज पर द सप्लाई ऑफ सोर्स। ठीक है, सोर्स कहाँ गई? ये ठीक है, 10 वोल्ट प्रोवाइड किए हैं, 1K 1K। बाकी ट्रांजिस्टर मेरे पास IRF640 नहीं है मेरी लाइब्रेरी में, 2012 यूज़ कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो लोग 14 या उससे अबव वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके पास IRF640 है। बाकी लाइब्रेरी या आउटपुट तकरीबन सेम आ रहे हैं, कोई इतना फ़र्क उसमें नहीं है। कंटिन्यू करते हैं और सिमुलेट कर लिया है यहाँ पे, देख लेते हैं करंट लेड से आपका आ रहा है यहाँ पे। और करंट 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 दिस एंड डीसी डीसी आ रहा है। ठीक है, और इसका करंट जो है एम्पेयर एम्पेयर तकरीबन सेम है लेकिन अपोजिट नहीं आ रहा, अपोजिट नहीं आ रहा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक,
अच्छा यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी किसी को है तो बता दें। वैसे तो इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि सिमुलेशन में इतना आपको एरर मिलेगा नहीं, सिमुलेशन में तकरीबन एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाती हैं। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक किसी को है तो पूछ लीजिए। थ्योरी के मुताबिक हमने नोटेशन वाइज इसे कनेक्ट कर लिया है। रेफरेंस इनपुट हमारा यहाँ है और आउटपुट हमारा यहाँ जनरेट हो रहा होगा, तो उसके बिहाफ पे ही हमने कैटेगोरिकली इसे कनेक्ट किया है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है और हमें मिल भी रहा है। या तो कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लें। इसके अलावा मैं एक एक्टिविटी चेंज करके मज़ीद बता देता हूँ आपको। सिमुलेशन स्टॉप करके हम इस एम मीटर को नीचे की जानेब पे लगा के देख लेते हैं, वहाँ भी अंदाज़ा हो जाएगा करंट किस तरह का आ रहा है। सिमुलेशन का एरर आ रहा है, मल्टी सिम कन्वर्ट, कुछ शायद गलत हो गया, वो शायद पैरेलल में लग तो नहीं गया कहीं, सीरीज में है वैसे देखा जाए तो। डायरेक्ट लगा देंगे तो पैरेलल में लग जाएगा। अच्छा जी चले, जब तक ये रिजॉल्व हो रहा है तो ये रिजॉल्व भी तो नहीं हो रहा। चलो भाई अगेन एरर आ रहा है, नहीं आ रहा तो आगे नहीं जाने की ज़रूरत। फिर हम अच्छा कॉन्फ़िगरेशन फिर हम ऊपर वाली ही लगते हैं और यहाँ फिर वो नहीं हो पाएगी चीज़। चलो भाई डिलीट डिलीट डिलीट। लेकिन हमारा करंट जो है प्रोड्यूस वो यही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली सोर्स कनेक्ट है तो सीरीज में करंट भी सेम होगा, लेकिन वो हमें फिर यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करंट आ नहीं रहा। चलें यहाँ तक फिर बाकी भी ऑब्जर्व करके देखिएगा। ये तो मैंने टू मॉस्फेट का लगा, चार चार का लगा के बताया है, बाकी जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को करनी है। चार का मैंने बना के दिखा दिया, चार के हवाले से आप यहाँ पे जो रीडिंग चौथे की है वो लिख देंगे आप। रेफरेंस का इनपुट आउटपुट करंट और इनपुट करंट रेफरेंस का जो लिखेंगे उसका फिर एरर तो इसमें ज़ीरो निकलेगा क्योंकि हमारा फ़र्क नहीं आ रहा। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वाइज आपको ये तीन मॉस्फेट वाला करना है और ये दो मॉस्फेट वाला करना है। अब आते हैं इसकी तरफ जो कि उसने चौथी कंडीशन में कहा था। अच्छा ये रीडिंग जो मैंने अभी निकाली है वो इसकी है, सॉरी R1 एंड R2 को 10 किलो ओम लेना है। अब इस पर आते हैं और उस पर करके दिखा देता हूँ मैं आपको 10 किलो ओम कैसे करेंगे। स्टॉप करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। अच्छा सिमुलेशन मैंने स्टॉप नहीं करी, सॉरी, तो स्टॉप कर देते हैं सिमुलेशन, ये एरर देता है बस, एक यही मसला है। और ये भी हम टेस्ट करेंगे करेंगे और रन। अब इसके नतीजे में जो करंट है वो आपका कम हो गया है, ठीक है। और या तो कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी के तो वो भी पूछ लीजिए जनाब। कोई भी मसला किसी को है तो पूछें, मैं आपके मैटर को रिजॉल्व कर दूंगा। ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा भाई, कंट्रोल एक्स, अजीब ढीठ किस्म का कॉन्टैक्ट है ये, डिलीट नहीं हो रहा है। चले वायरल, यहाँ तक मैंने ये चीज़ बता दी है। ये जो अब रीडिंग आएगी उसको कनेक्ट करके वहाँ से इनपुट और आउटपुट वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर कोई फ़र्क आता है रीडिंग्स के अंदर
तो परसेंटेज एरर निकालेंगे आप आई रेफरेंस माइनस आई नॉट डिवाइड बाई आई रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको परसेंटेज एरर यहाँ से मिल जाएगा। और पहली रीडिंग जो आपको ये कॉलम फिल करनी है, ये कैसे फिल करेंगे भाई, कोई बताएगा? ये हम पहली पहले कॉलम को किस तरह फिल करेंगे? हमारे साथ 5 लोग हैं, कोई बताए। अली अफजल है, मुबशर तारिक, मुजीबुर रहमान है, तौसीफ अली हैं, तो बताएं हम इसे कैसे निकालेंगे इन अपनी 3 वैल्यूज़ को जो यहाँ पे लिखनी है। जी जनाब, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम आगे बताते हैं या फिर इसको वाइंड अप करते हैं। फिर कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लें, कोई मसला अगर है तो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये हम फेल कैसे करेंगे, वैसे तो मैं थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि हम ये कैसे फेल करेंगे। तो ये फिल करेंगे भाई इस सर्किट से, ठीक है? तो ये सिमुलेट कर लीजिएगा और रिजल्ट जिस तरह मैंने बताया कि आप यहाँ पे कनेक्ट करके अपने इनपुट और आउटपुट को बता सकेंगे, और इस तरीके से आपका करंट मेजर जो करेंगे अब वो आ रहा होगा, उसको फिर फिल कर लीजिएगा। और कोई कोई सवाल अगर नहीं है किसी का तो लैब को यहाँ पे हम एंड करते हैं, जो आज हमारी मिरर सर्किट की हुई है। और इसके अलावा जो कल भी एक लैब इंशाल्लाह हम कंडक्ट करेंगे, जो कि ECD की ऑनलाइन लैब होगी, वो होपफुली लोड शेडिंग या दीगर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अवेलेबिलिटी और इंटरनेट के मुताबिक उसको अरेंज हम करेंगे, और अपनी अवेलेबिलिटी उसमें मेंटेन रखिएगा। कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा, और जो लैब है उसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लैब से रिलेटेड आपसे वाइवा भी होगा, लैब एग्ज़ाम होगा, परफॉर्मेंस जो होगी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम, तो वो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के बाद हम करेंगे। तो सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं, और कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को नहीं है तो ठीक है, हम फिर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।